समुद्र में तैरता विशाल आइलैंड नुमा वर्ल्ड क्लास भारत का पहला शानदार क्रूज शिप कर्णिका की सेवाएं शुरू हो गई हैं। जालेश क्रूज टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर्णिका क्रूज शिप 14 मंजिली शानदार क्रूज है। करीब 2,700 पैसेंजर क्षमता वाली कर्णिका क्रूज की लंबाई 250 मीटर है। समुद्र पर तैरता हुआ यह क्रूज 7 स्टार होटल से भी ज्यादा शानदार है। गोवा के क्रूज टर्मिनल पर लगे जालेश क्रूज टर्मिनल की भव्यता को देखकर अलग सा ही अनुभव होता है। भारत के पहले बेहद शानदार क्रूज शिप कर्णिका की क्रूज की पहली यात्रा मुंबई से गोवा तक हुई। देर शाम मुंबई तट से निकला यह क्रूज गुरुवार सुबह गोवा पहुंचा। यह क्रूज टूरिज्म को भारत के लिए रेवेन्यू जुटाने के बड़े साधन के तौर पर विकसित करने में कामयाब होगा। इस क्रूज की पहली यात्रा करने वाले सैलानियों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। क्रूज से उतरकर घूमने के लिए जा रहे सभी सैलानियों ने क्रूज की जमकर सराहना की। इन सभी लोगों का कहना है कि मेहमान नवाजी से लेकर क्रूज में हो रहे सारे प्रोग्राम काफी शानदार हैं। क्रूज पर बर्थडे मनाकर लौटी अशता माली का कहना है कि बर्थडे मनाने के लिए ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहीं दूसरे यात्री दीपक का कहना है कि इस क्रूज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर वर्ग के लिए कुछ खास और कुछ अलग है। वहीं एक अन्य यात्री हिमांशु पटेल का कहना है कि देश के पहले प्रीमियम क्रूज का मैं साक्षी रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं लोगों को कहूंगा कि वो आएं और देखें कि प्रीमियम क्रूज कैसा होता है और उसकी यात्रा कैसी होती है। 14 मंजिली क्रूज शिप में प्रवेश करते ही पूरी दुनिया की सभी खूबसूरती आंखों के सामने मौजूद होती है। क्रूज शिप में शॉपिंग की सुविधा के लिए शानदार शॉपिंग सेंटर मौजूद है। बेहद आकर्षक रेस्टोरेंट में देशी विदेशी खाने के पकवान सफर में चार चांद लगाते हैं। क्रूज में 24 घंटे खुली रहने वाली कॉफी शॉप भी है। क्रूज में एक स्विमिंग पूल, आधुनिक लॉन्च और मनोरंजन का कमरा भी होगा। क्रूज को खूबसूरत पेंटिंग और तस्वीरों से सजाया जाएगा। क्रूज में नई उम्र और बच्चों के मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए एक खास वाटर पार्क भी इस क्रूज में बनाया गया है। इस पर मुसाफिरों को अपने कमरों में कदम रखते ही बेहद खास हॉस्पिटैलिटी का खुशनुमा एहसास महसूस होना स्वाभाविक है। सजे धजे कमरों में लगी खास खिड़कियां समुद्र के आकर्षक नज़ारों का दीदार कराती हैं और कमरों के बाहर खास बनी बालकनी मुसाफिरों को एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती है। इस क्रूज के शुरू होने के बाद ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इससे देश में आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। टूर ऑपरेटर दिग्विजय त्रिपाठी का कहना है कि जो लोग देश विदेश में जाकर क्रूज का आनंद उठाया करते थे, अब उन्हें यह आनंद देश में ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्रूज की आकर्षक तस्वीरों को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सफर करने के उत्सुक होंगे। फिलहाल ये क्रूज सेवा मुंबई से गोवा के बीच शुरू हुई है। जल्द ही इस आकर्षक क्रूज शिप की सेवाएं मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम रूटों पर भी होंगी। कर्णिका क्रूज शिप की देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सिंगापुर, दुबई और खाड़ी देशों के बेहद आकर्षक शहरों की सेवाएं मौजूद होंगी।